नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार क्लासी स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में। मेरा नाम है कपिल कुमार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जैसा कि ये साल जो है आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी लेके आ रहा है, जैसे कि नई नई वैकेंसी निकाल रहा है। अभी देखो रेलवे ग्रुप डी में है, फिर लोको पायलट में है, फिर SBI क्लर्क में है, यूपी पुलिस में है, ठीक है। अब एक बोर्ड है यूपी SSSC बोर्ड, उसमें भी वैकेंसी लेके आ रहा है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इसमें कि रेलवे ग्रुप डी के बारे में, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी 2018 के बारे में, ठीक है। जितने भी तुम्हारे प्रश्न हो, ठीक है, उनका उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं उन बच्चों से कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ वह अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है बॉक्स में, आप उसको दबा दें, ठीक है, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि इससे आने वाला अगला नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, ठीक है, फीस वापस होगी या नहीं होगी जिस बच्चे ने फॉर्म भर दिया, ठीक है। अब कौन सी आखिरी इसकी डेट होगी, ठीक है, 3 या 4 होगी या फिर इसकी डेट बढ़ गई है, किसके लिए कितनी पोस्ट होगी, जिसने फॉर्म को भर दिया अब वो क्या करें, ठीक है, या किस जोन में फॉर्म भरे जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, तो इस वीडियो को देखें पूरा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं वेबसाइट पर। मैं आपको बता दूं कि ये क्यू मैथ्स वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज कुछ भी होती है इस पे मिल जाती है। हम सबसे पहले ऊपर वाले लिंक को क्लिक कर लेते हैं क्यू मैथ्स के, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो RRB ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है फीस का और एज का रिकॉर्डिंग के बारे में, रेलवे ने उसको नोटिफिकेशन को निकाल दिया है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि RRB ऑफिशियल नोटिस रिगार्डिंग ग्रुप डी एज फीस एंड एलिजिबिलिटी PDF डाउनलोड, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। हम इसकी PDF डाउनलोड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये जो PDF है वह रेलवे की ओर से PDF है। अब हम इसमें PDF में पढ़ लेते हैं इसकी PDF में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पटना। अब तो आपको विश्वास आ गया होगा कि यह जो नोटिफिकेशन है वह असली है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये जो लिखा हुआ है ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो अब मैं आपको इसमें हिंदी में बता देता हूँ पढ़ के, ठीक है, कि इसमें लिखा हुआ है क्या है। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आवश्यक सूचना केंद्रीय कृत रोजगार सूचना CEN, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से देखो रेल मंत्रालय ने आयु परीक्षा शुल्क, ठीक है, आदि से संबंधित शर्तों में कुछ संशोधन की घोषणा की है। संशोधन जो है उसकी घोषणा कर दी है और संशोधित ऑनलाइन आवेदन की जो दिनांक है वह 28/2/2018 से भरने हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन जो फॉर्म है उसकी अंतिम तिथि अब 31/3/2018 तक बढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूं, जो बच्चे मुझसे सवाल करना चाह रहे थे मैं उनको पूरा बता देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। जैसे कि आपने ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों से कि कौन कौन भर सकता है। जी हाँ, कि सबसे पहले ये जो फॉर्म थे ये कुछ ITI की वैकेंसी के लिए थे, ये वैकेंसी जो थी, लेकिन अब जो है ये सारी की सारी वैकेंसी जो है 10+2 वाला भी भर सकता है, ठीक है। अब ITI वाला भी फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। अब जो NCVT वाले हैं, ठीक है, ITI वाले, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब फीस वापस होगी या नहीं, ठीक है,
जी हाँ, फीस वापस होगी। मैं आपको बता दूं कि जिसने बच्चे ने फॉर्म में 500 रुपये दिए हैं उसके 400 रुपये वापस होंगे, और जिसने 250 रुपये दिए हैं उसकी फ़ीस 250 रुपये वापस होगी। लेकिन ये कब होगी? जो बच्चा एग्ज़ाम में, ठीक है, बैठ जाएगा तब उसकी फ़ीस वापस होगी। कौन सी है आखिरी तारीख? जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि 21/3/2018 अब इसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। किसके लिए कितनी पोस्ट है? जी हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पहले जो थी वह 9035, जो वैकेंसी थी वह 10वें वाले के लिए थी, ठीक है, और जो 62907 वैकेंसी थी वह सिर्फ आई वालों के लिए थी। लेकिन अब जो ये सारी की सारी वैकेंसी हैं 62907, इसमें जो प्रीफ्रेंस मिलेगी वह 10वां, ठीक है, आईटीआई, ठीक है, एनसीवीटी या एससीवीटी वाले सबको मिलेगी। जिसने फॉर्म को भर दिया वो क्या करेगा? अब उस जिसने फॉर्म को भर दिया वो प्लीज़ एक 28 तारीख का इंतज़ार करें, 28/2/2018, क्योंकि एक नोटिफिकेशन उसमें जारी होगा, आप उसमें सब कुछ देख के फिर संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। अब किस जोन में भरें, ठीक है, मैं अभी आपको बता दूं कि अभी आप फॉर्म को मत भरो प्लीज़। अभी आप फॉर्म को सिर्फ 28/2/2018 के बाद ही फॉर्म को भरो, ताकि उसमें जोन वाइज वैकेंसी मिलेगी आपको, उसमें आप भरने में आपको आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।